वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी का हो चाहे एयरफोर्स का हो, उसको लेकर जो आपका टाइम ड्यूरेशन है 30-35-40 दिन के आसपास जो टाइम ड्यूरेशन बच रहा है, उसमें बच्चा सेल्फ स्टडी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। हर एक बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांटेज देगी, चीज़ों को एक प्रॉपर पाथ में लेके आएगी, जहाँ से आप सेल्फ स्टडी जब करने जाएंगे तो आपको जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है रेगुलर स्टडी के पैटर्न से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए 40 दिन आपके पास हैं, और कैसे अपन अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे वो प्रैक्टिस की बात हो, चाहे वो मॉक टेस्ट की बात हो, इन सब पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यही डाउट एक बच्चे का होता है कि सर सेल्फ स्टडी इस समय पे मैं करूं तो कैसे करूं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस अगर बच्चे को मिल जाता है तो बच्चा अपने टाइम को 4 गुना मल्टीप्लाई कर लेता है, कि 1 घंटे की जगह वो 4 घंटे अपने कंटेंट को डिलीवरी में कन्वर्ट कर देता है, कम से कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो पार्ट है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो इनमें आपका जवाब आता है, सबसे पहला चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। आने वाले 35 से 40 दिन एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल आपको बनाना होगा। जैसे मान के चलिए कि शाम को 6 बजे आपका लास्ट क्लास है, 6 बजे आपका लास्ट क्लास है, तो 6 बजे के बाद में आप 1 घंटा रिलैक्स करिए। 7 बजे से, शाम को 7 बजे से लेके रात को 11-11:30 बजे तक, मैं कहूँगा 11-11:30 बजे तक, लगभग आपका 4.5 घंटे का टाइम आपका हो गया है जिसमें आप सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, और अगर वो कम से कम 4 से 4.5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो प्लीज कमेंट में जरूर कंफर्म करना, लेकिन ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं। तो सबसे पहला है टाइम को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करना, टाइम मैनेजमेंट अपना बनाना, एक फॉर्मेट बनाओ कि ये मेरी क्लासेज रहेगी, क्लासेज के बीच में भी आपको गैप मिलता है, तो उस गैप में मुझे क्या चीजें रिकॉल करनी है, क्या मेरी चीजें कमजोर हो रही है, कहां से नंबर मेरे ज्यादा कट रहे हैं, कहां से सवाल ज्यादा गलत हो रहे हैं। और फिर बाद में शाम को 7 बजे बाद में अगर अपन बात करते हैं, तो 7 बजे बाद में, 6:30 बजे बाद में, 7 बजे बाद में आपको रेगुलर अपनी सेल्फ स्टडी पे टाइम डालना है, लगभग लगभग 11-11:30 बजे तक शाम को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक टाइम का फॉर्मेट बनाओ जिसमें आपको कम से कम 4-4.5 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम आपके पास मिल रहा है। अब जो 4-4.5 घंटे आपको मिल रहे हैं, उसको आपको डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट में। जैसे मान लो एक्स ग्रुप का बच्चा है, तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, मान लो आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे आप, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 यानी 20, यानी 6 18 लगभग लगभग 1.6 आवर्स, यानी ये हो गया आपका लगभग लगभग 1.5 घंटे के आसपास। मान लो आप 1.5 घंटा मान लीजिए, अभी मानिए 1.5 मान लीजिए, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को आपको मिल रहा है लगभग लगभग, अगर आधा घंटा बीच में कहीं खराब भी हो जाता है तो ये जो टाइम है आवर्स में, इसको आपको एक सब्जेक्ट को देना है। अब एक सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल आता है। तो बेटा उसके लिए मैं आपको प्रॉपर थोड़ा सा अगली स्लाइड पर लेके चलूंगा और उस पर बात करूंगा, और वह होगा अपना टाइम शेड्यूल आपको फिक्स करना है। टाइम आपका शाम को मान लीजिए 7 बजे अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है, 11-11:30 बजे तक आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी और वो कंटिन्यू रहेगी। और एक एक सब्जेक्ट को कम से कम, जैसे मान लो फिजिक्स को आपने 1.5 घंटा दे दिया, आपने मैथ्स को 1.5 घंटा दे दिया, आपने इंग्लिश को 1.5 घंटा दे दिया। कुछ बच्चों को एक सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे इंग्लिश है बच्चा आसानी से कवर कर लेता है, लेकिन बच्चे को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसका आधा घंटा यहाँ पे मिला दें तो ये आपके 2 घंटे हो जाएंगे, 2 आवर्स हो जाएंगे। तो ये पैटर्न आपको अपने हिसाब से तैयार करना है कि मैं कैसे उसको टाइम ज्यादा से ज्यादा उस सब्जेक्ट में दूं जो हम पे मेरे को दिक्कत है। सेक्शनल कट ऑफ तीनों सब्जेक्ट की आएगी, इंग्लिश में 20 में से 20 आ गए, फिजिक्स में फेल हो गए, सेक्शनल कट ऑफ में 7-8 नंबर ही नहीं आ पाए, तो बेटा उसके लिए आपको फिजिक्स को अलग से टाइम आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद में जब आप अपने टाइम को फिक्स कर लिए, टाइम ड्यूरेशन आपने बांट ली, तो अब आपको उसको पढ़ना कैसे है, उसके लिए बेटा देखो सबसे पहले मैंने यहां पे डाला है आपका सेल्फ स्टडी के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है,
अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है कि एक चैप्टर को लेके आप बैठ गए एक घंटे तक, नहीं, एक चैप्टर को मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट एक चैप्टर को आप रिवाइज करिए, और फिर उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसे अपन कहते हैं डीपीपीस, जो डेली प्रैक्टिस पेपर के रूप में आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट होने पे आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उनको लगाओ। अगर आप डीपीपीस उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ के लगा लिए तो डीपीपीस का मतलब पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वहां पे आपको मिल गए, यानी पूरे चैप्टर का रिकॉल आपका हो गया, पहला काम आपको। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, अभी भी टाइम आप सेव कर पा रहे हैं, तो फिर उस चैप्टर की आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वो लगाना है। दूसरा सवाल, इसी सब्जेक्ट में एक टाइम आपको और डालना है, कॉन्सेप्ट हो गया, डीपीपीज हो गया, रिवीजन हो गया, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, अपना एक अलग से टाइम शेड्यूल बनाना है 1 आवर का, जो आप दिन में कभी भी आपको अगर दो क्लासों के बीच में गैप मिलता है तो उसमें लगाओ, और वो है आपका एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम आपको करा रहे हैं अभी, उस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपने क्लास में कर लिया मैटर नहीं करता है, 70 नंबर का वो पेपर आपका होता है, 70 नंबर, 60 मिनट आपको चाहिए, 70 नंबर है, 60 मिनट का टाइम आपको चाहिए, और उस पेपर को उस पैटर्न पे सॉल्व करना है। अभी क्लास में कितना स्कोर आया था आपका 70 में से, 35, 40, 50, 60 जितना, और जब आपने उसका खुद से मॉक टेस्ट लगाया, नोट्स बेच में आपको मिल जाएगा इसका मॉक टेस्ट, खुद से मॉक टेस्ट लगाया तो उसका एडवांटेज आपको कितना मिला, यह है सबसे बड़ा पार्ट, यह है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये चीज जिस बच्चे ने कर ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डीपीपीज लगा लिया, और मॉक टेस्ट आने वाले 30, 35, 40 दिन तक लगा लिए, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी अपने आप को, जो क्लासे चल रही है उनको चलने दो, मैं ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं केवल सेल्फ स्टडी पे ही बात करूंगा आज इस वीडियो में, जो चल रही है क्लासेस, कॉन्सेप्ट हो, प्रैक्टिस हो, उनको चलने दो, लेकिन ये एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, एक चैप्टर लिया, चैप्टर को अपने उठाया कि ये चैप्टर मेरे को रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, डीपीपी लगाओ, और फिर एक मॉक टेस्ट डेली का जो आपका हो रहा है उसको रिकॉल कर दो। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे 10, 12, 15 दिन, आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में स्कोर कम आया था लेकिन दोबारा मॉक टेस्ट लगाया तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, चैप्टर के डीपीपीज में पहले स्कोर कम आया था बाद में आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, इसके एडवांटेज आपको मिलेंगे जिन पे आपको काम करना। ये पार्ट आपने किया, बहुत सारे बच्चे अपने आप को भी नोट्स में बिजी कर लेते हैं, लिखने में, क्वेश्चंस को लिखने में, कहता हूं अपना टाइम जितना बचाओगे, जितना टाइम अपना सेव कर लोगे उतना सेल्फ स्टडी पे काम कर लोगे, और जितना सेल्फ स्टडी पे काम कर लोगे उतना सिलेक्शन के नजदीक होगे, कंफर्म है, क्योंकि बेटा पेपर आपको क्लियर करना है, तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ज्यादा अपने को टाइम देना है। चैप्टर वाइज उठा लीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस उठा लीजिए, डीपीपीज उठा लीजिए, मॉक टेस्ट उठा लीजिए, जो एडवांटेज आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको दे, और उसको आपको, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपना हो गया कॉन्सेप्ट नोट्स, यानी कॉन्सेप्ट को, नोट्स को रिवाइज करें, उसके बाद में प्रैक्टिस करें उसकी, और फिर सेल्फ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आप टीचर्स के साथ वाली प्रैक्टिस मान सकते हैं कि मैंने टीचर के साथ प्रैक्टिस कर ली और फिर सेल्फ प्रैक्टिस पे गया जहां पे खुद से मुझे प्रैक्टिस करनी थी, चाहे वो डीपीपीज की हो, चाहे वो मॉक टेस्ट की हो। इस पैटर्न को हर एक सब्जेक्ट में आपको फॉलो करना है, वो डेली बेसिस पे फॉलो करना है। अगर 35 से 40 दिन आपने ये प्लान फॉलो किया सेल्फ स्टडी को लेके, और सेल्फ स्टडी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेल्फ प्रैक्टिस वाला, बच्चा उसको मिस करता है, आपको उसको फॉलो करना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डेली शाम को 7 से 11:30 पढ़ना, कोई काम नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आएगा डिस्टर्बेंस, काम भी आएगा, कॉल भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे साइड में, इतना अगर अपने आप को फोकस कर लिया ना, कोई दुनिया की ताकत आपकी रोकने वाली नहीं है, क्योंकि पर डे 4 घंटे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है अगले 40 दिन तक लंका लगा देंगे पेपर की, लेकिन बेटा प्रॉपर रिवीजन के साथ में। आपका जो नोट्स बैच है उसका एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलेगा, कैसे, यहाँ पर आपको एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, पूरे 70-70 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, कोई अलग से कोई बुक नहीं, अलग से कोई मॉक टेस्ट नहीं, सारे के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे।
यहाँ पर आपको मिक्स प्रैक्टिस मिल रही है, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको मिल रही है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन सीरीज आपको मिल रही है ना, एक्स और वाई दोनों की मिला के आपकी लगभग 10 से 12 सिलेक्शन सीरीज आपको मिलने वाली है। डीपीपीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है, और डीपीपीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का रोल अदा करती है आपके सिलेबस को लेकर, आपके टॉपिक को, क्लियरेंस को लेकर। तो प्लीज नोट्स बैच का जो एडवांटेज है, टाइम को बचाना और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेल्फ स्टडी, इन सब के मॉक टेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एज इट इज जो हमने स्क्रीन पे लिखा वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको उनको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है रफ कॉपी के साथ में, तो टाइम सारा आपका बचेगा। और जितना टाइम बचा लिया, 1.5 से 2 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिकॉल कर सकते हो पर डे के बेसिस पे, प्लान बना के कि मुझे आज ये 2 टॉपिक करने, कल ये 2 टॉपिक करने, परसों ये 2 टॉपिक करने। चैलेंज करता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन बेटा थोड़ा सा मुश्किल है रेगुलर सेल्फ स्टडी करना, लेकिन आदत डाल ली ना, कर लोगे और पेपर फोड़ के आओगे, ये मेरा चैलेंज है। तो जो बच्चे नोट्स बेच में जुड़े हुए हैं बेटा, किसी भी हाल में सेल्फ स्टडी के इस प्लान को मिस मत करो, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बेटा, बेटा अगर आप सोचो कि यार 1 महीना बचा है, मैं नोट्स बेच के साथ में क्या करूंगा, 1 महीना आपका जो करियर है वो आपका बना देगा सेल्फ स्टडी, अगर आपने अच्छे प्रॉपर वे में टाइम देके कर ली तो। बेटा जो आपका 1 मंथ है उसका जो प्राइस है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन मैटर करेगा। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सिलेक्शन बेच के, सॉरी नोट्स बेच के साथ में, वो जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को उस लेवल पे तैयार करें, कॉन्फिडेंस आपका आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है आपको, दिए गए नंबर पे कॉल करिए और डाउट क्लियर करिए, और बेटा जुड़ के सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक कमेंट जरूर चाहूंगा, कितने घंटे आपकी सेल्फ स्टडी हो रही है और क्या प्लानिंग है, अगर हो सके 40-50 सेकंड हमारे लिए हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं रिवाइज करूं कमेंट को, तो मुझे पता चले कि बच्चे किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी पे भी काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, और जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेटा यहाँ पे यूट्यूब पे हमारी तबाही लेवल पे प्रैक्टिस आपका कॉन्सेप्ट आपका हो रहा है, आने वाले टाइम में महायज्ञ आपका यहाँ पर मिलेगा, तो उसके एडवांटेज आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।